नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम अशोक विहार में मौजूद है और यहां अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला मंडल की तरफ से लगा है तीज का विशाल मेला और इस मेले के अंदर हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस मेले के अंदर। तो बिल्कुल भी देर ना करें और चलिए मेरे साथ अंदर और देखते हैं क्या है इस मेले में खास। शॉपिंग भी कर रही हैं, आइए उनसे जान लेते हैं मेले को क्यों पसंद कर रही हैं। तो मैम, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मीनाक्षी। मीनाक्षी, मेले में क्या खास लगा आपको? ऑल आउट चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वैरायटीज भी अच्छी हैं और रीजनेबल भी काफ़ी हैं। रीजनेबल काफ़ी हैं। अच्छा, मेले आप तीज मेले में आना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अशोक विहार में हर साल ये मेला लगता है, क्या खासियत आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? शॉपिंग। देखा, मैंने आपको बोला था ना, शॉपिंग जहाँ और वहाँ महिलाएं पीछे हट जाए, हो नहीं सकता है। तो एक और हमारे साथ महिला से जान लेते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी। सुलेखा। सुलेखा जी, क्या अब तक आप शॉपिंग कर चुके हैं और क्या मन बना के आए, क्या कुछ लेना है? बहुत कुछ। कोई एक ऐसा आइटम जो आप यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे? राखी। राखी जी हाँ, हम आपको बता दें यहाँ पर राखियाँ भी बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे स्टॉल हैं यहाँ पर राखियों की, लुम्बे मिल रहे हैं और हैंडमेड राखी भी हमने बहुत सारी यहाँ पर देखी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खास हैं। देखिए, एक महिला और हैं यहाँ पे, कुर्ते देख रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते भी लगे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर कुर्ते हैं। जो अमूमन आप ढूंढने निकलेंगे मार्केट में तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन तीज मेले के अंदर एक छत के नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक और महिला है, बहुत सुंदर भी लग रही हैं और मंद मंद मुस्करा रही हैं, उनके पास चलते हैं। तीज मेले के लिए क्या कहेंगे? तीज में राखियों का त्यौहार है, मेहंदी का त्यौहार है, तो इस बहाने में नई नई वैरायटी देखने को मिल जाती है और मेले के थ्रू हमें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पर नई नई राखियाँ, नए नए सूट्स, शॉपिंग भी हो जाती है। लेटेस्ट क्या चल रहा है उसमें भी बड़े मज़े आते हैं। बिल्कुल, क्या नया चल रहा है मेले के अंदर आपको मिल जाता है, क्योंकि मेला खास इसलिए क्योंकि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म के लोग हैं वो अपनी चीज़ें यहाँ पर लेकर आते हैं, अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करते हैं, दिखाते हैं कि उनके पास क्या कुछ फैशन के अंदर नया है। तो इस वजह से शॉपिंग का जो क्रेज़ है लेडीज़ के अंदर आई थिंक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक और महिला है जो राखियां खरीद रही हैं, मैं आपको दिखा दूं, राखियां हैं यहाँ पर, ये बच्चों की राखी है, आप देख सकते हैं टॉय वाली राखी है, बहुत सुंदर सुंदर मिकी माउस वाली राखी, और ये वो हैं जो सतिया या सलून आई थिंक इसको बोलते हैं, जो दीवारों सोन बोला जाता है, ये दीवारों पर लगते हैं और बहुत सुंदर राखियाँ हैं और बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं इयररिंग्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छी कलेक्शन बताई जा रही है। अभी और भी लोगों के पास चलते हैं और जानेंगे क्या कुछ है यहाँ पर खास, बने रहिए हमारे साथ। मंजू गुप्ता, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी जुड़ गई हैं जो इस महिला मंडल की प्रेसिडेंट हैं, उनसे जान लेते हैं इस मेले के बारे में कुछ खासियत। तो मैम, पहले तो आप हमें बताइए कि मेले के अंदर क्या कुछ आपने खास रखा है? इस मेले में इस बार हमने जो नृत्य प्रतियोगिता को कंपटीशन का रूप दिया और इसमें कोई गिफ्ट ना दे करके हमने कैश प्राइजेज रखे। अक्सर क्या होता था कि बच्चे ही पार्टिसिपेट करते थे, पर हमने चार एज ग्रुप बनाए और इस बार महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक महिला ने ओडिसी डांस किया, एक ने राजस्थानी फोक किया और बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया। अच्छा, यहाँ पर हमने शॉप देखी, लगभग हर चीज़ की शॉप है यहाँ पर, चाहे राखी की शॉप लगा लो, चाहे बैग्स की लगा लो, चाहे सूट लगा लो, चाहे कुर्तीज़ लगा लो, चाहे ज्वेलरीज लगा लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके लिए महिला घर से बाहर निकलती और मार्केट तक पहुँचती है। इसके पीछे का क्या कारण रहा? नहीं, मेले का जो आयोजन होता है वो तो यही होता है कि एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाए और आप सब कुछ देख के परख के ले सकें, और कपड़ों की भी आप देखिए एक एक नहीं कई कई शॉप्स हैं तो आप चूज़ भी कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर भी कर सकते हैं, ऐसी राखी में है तो यही इसका मकसद होता है मेलों का। क्योंकि आजकल वो झूलों में जाके तीज मनाने का तो रहा नहीं, बाग में गए झूले डाले, जगह ही नहीं है, मौसम भी बदल गया है तो इसी तरह एंजॉय करते हैं हम, तीज मनाते हैं, स्वरूप बदल गया है तीज के त्यौहार का। बिल्कुल बिल्कुल, त्यौहार क्योंकि हमारा जो जीवन है वो मॉडर्न हो गया है, तो इस वजह से तीज या ये कहें कि त्यौहार मनाने का जो तरीका है वो भी थोड़ा मॉडर्न हो गया है। हमारे साथ रश्मि जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, प्रिंसिपल भी हैं डीएवी स्कूल के अंदर। तो मैम, तीज मेले के को देख कर आप क्या कहेंगे? पहली बात, तीज मेला उत्साह का प्रोग्राम है और इसमें सभी महिलाएँ बहुत सुंदर सुंदर सज के आती हैं
और यहाँ हमारे तीज मेले में बहुत सुंदर स्टॉल लगते हैं जिसके लिए सब लोग सारे साल इंतज़ार करते हैं और हम भी इस तीज मेले का पूरे साल इंतज़ार करते हैं क्योंकि इसमें सभी लोगों को मस्ती मौज और सारा दिन एक अच्छे से बिताने का मौका। पिछले कितने सालों से आप इस मेले के अंदर आ रहे हैं? क्योंकि मैं तो इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, शायद 15 साल से ज़्यादा तो हो गए मुझे इसको ऑर्गेनाइज करते हुए भी और इसमें आते। अच्छा, आपने अगर स्टार्टिंग से लेकर अब तक का पूरा सफ़र देखा है तो स्टार्टिंग में क्या था और आज की जो स्थिति आप देखते हैं वो क्या देखते हैं? आजकल जो स्टॉल्स पे जो लोग आते हैं उन सामानों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। बाकी मेंबर्स वही हैं, हम सब भी वही हैं, इसमें कार्यक्रम समय समय पर बदलता रहता है और बच्चे बड़े एक अच्छे से एक अपना दिन यहाँ पर स्पेंड करते हैं। बिल्कुल, सभी लोग इस मेले में आते हैं और अच्छे से अपना दिन पूरा है वो पूरा व्यतीत करते हैं। इस मेले की झलकी हम आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, थोड़ा झलकियों के साथ छोड़ दें, उसके बाद फिर से हम आपको लोगों से मिलवाएंगे, उनकी बात जो है आपसे आप तक पहुँचाएंगे। लेडीज जो है कपड़े खरीदना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं तो यहाँ पर जानते हैं जो लोग यहाँ पे कपड़े बेच रहे हैं, जो सूट हैं, कुर्तीज हैं, बहुत सुंदर सुंदर हमें इस मेले में देखने को मिली है, तो उनसे जान लेते हैं क्या है प्राइस और क्यों है इनकी कुर्तियाँ इतनी खास। मैम, कुर्तियों के बारे में बताइए, क्या खास आपकी कुर्तियों के अंदर? हमारा अपना बुटीक है, ये सब हमारे अपने बुटीक की तैयार हुई भी है और मटेरियल भी रखा है हमने अपना और सब साइज मिल रहे हैं। सब साइज मिल रहे हैं। अगर लेडीज आपसे बार्गेनिंग करना चाहे तो बार्गेनिंग होगी? थोड़ी बहुत। देखो, जिनको बार्गेनिंग करनी बहुत पसंद है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आपको करने को मिल जाएगी, लेकिन नो डाउट बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मटेरियल्स आपको कपड़ों के सिलवाने के लिए मिल जाएंगे, रेडीमेड आपको कुर्ते मिल जाएंगे। आगे अगर हम चले तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं, फुलकारी के हों चाहे चंदेरी के हों, बहुत तरह के दुपट्टे। मैं आंटी से ही आपसे पूछवाती हूँ कि क्या कौन कौन से दुपट्टे हैं, दुपट्टों के बताइए कौन कौन से। मेरे पास दुपट्टों की फुल वैरायटी है, फुल कलर्स हैं, वेलवेट है, कॉटन है, जॉर्जेट, शिफॉन एंड ये चंदेरी, कोरा, वेलवेट की फुल वैरायटी है। जो लोग बहुत शौकीन है, बहुत ही एक्सक्लूसिव दुपट्टा पहनते हैं वो लोग इसको लेते हैं। बहुत एक्सक्लूसिव जो दुपट्टा पहनने के शौकीन है वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप एक दो दुपट्टे जो आपको सबसे बेहतरीन लगते हो वो खोल कर दिखा दें। तो ये पहला दुपट्टा खुल रहा है तो हम पहले इस दुपट्टे के बारे में जान लेते हैं। इस दुपट्टे के बारे में बताइए आप। ये वेलवेट का दुपट्टा है, इसके चारों तरफ कश्मीरी वर्क है और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव पीस है। प्लेन गाउन्स के साथ इसकी लुक बहुत अच्छी है। प्लेन गाउन के साथ इस दुपट्टे की जो लुक है बहुत अच्छी आएगी, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर कलर है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी बहुत खिलकर आ रही है। अगला दुपट्टा देखते हैं कौन सा हमें निकल कर जो है सामने आएगा। तो मेरे हिसाब से फुलकारी है, फुलकारी और गोटा पत्ती वर्क है इसमें पंजाब का और ये भी प्लेन लहंगों के साथ ये बहुत ही सुंदर पीस लगता है। ये जो दुपट्टा है मैं आपको कैरी करके दिखाना चाहूंगी, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये फुलकारी विद गोटा पट्टी का ये दुपट्टा है और ये बहुत सुंदर दुपट्टा है और अगर आप इसको प्लेन ब्लैक सूट के साथ अगर कैरी करें तो मेरे हिसाब से आप परफेक्ट लुक के अंदर आ जाएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो अभी आगे और दुकान पर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या खास है। आई थिंक यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो यहाँ पर जो कलेक्शन है ज्वेलरी का ये बहुत सुंदर कलेक्शन है, एक से एक बढ़कर आपको ज्वेलरी मिल रही है, चाहे वो कुंदन हो, चाहे व्रास हो और कौन कौन सी होती है मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, ब्रीफ में मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सुंदर ज्वेलरीज हैं। नेक पीसेस देखिए आप, एक से एक नेक पीस है यहाँ पर, अगर आप इन नेक पीस को पहनेंगे तो कंप्लीट लुक आपको यहाँ पर मिलेगी, रॉयल लुक आएगी, रिच लुक आएगी, जो गर्ल्स जिसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं वो आपको लुक मिलेगी। तो आपने देखा ये पूरा मेला कितना सुंदर है, महिलाएं कितनी खुश हैं, शॉपकीपर्स बहुत खुशी से यहाँ पर अपनी स्टॉल्स लगाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ जो महिलाएं आएंगी वो अपने तीज मेले को पूरे अच्छे से सेलिब्रेट करके जाएं, अपनी पसंद की हर चीज़ को यहाँ से परचेज करके जाएं। इस तरह की तमाम चीज़ों को जानने के लिए लगातार बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ, कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।